हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ इनदर वीडियोस। वीडियो में सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट स्टील क्वांटिटी इन स्लैब। स्लैब के अंदर जो सरिया हो कैसे निकालते हैं, कितना लगेगा। तो हम जो ले रहे हैं जो स्टैंडर्ड, जो ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड जो लगता है, जो रेनफोर्समेंट एंड जो स्पेसिंग से लगती है, स्टैंडर्ड जो लगती है, वो मैं निकाल रहा हूँ। जो आप अपने घर में लगवा रहे हैं, जो आपके स्लैब के अंदर जो लग रही है, वही आपको लेना है, ठीक है। तो एक फार्मूला मेथड से बताऊँगा मैं आपको कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास एक एरिया है 40x30 square feet, ठीक है। तो 40x30 feet का है तो 1200 square feet का एरिया है। और उसमें जो स्लैब रहेगा, मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पास 5 inch है। 5 inch को जब हम कन्वर्ट करेंगे फिट के अंदर तो 0.416 feet आता है, ठीक है। तो 5 inch कितने बराबर होगा, 0.416 feet के बराबर। और 7 inch कितने के बराबर होगा, 0.583। कैसे निकालते हैं, जो 1 feet होता है हमारे पास होता है 12 inch के बराबर। तो जब हम निकालते हैं 1 inch किसके बराबर होगा, 1/12। तो हमारे पास सिंपल गुना हो जाएगा, अगर 1 inch है तो 1/12 है, अगर हमारे पास 5 है तो 5 से गुना हो जाएगा सिंपल, ठीक है। 5 × 1/12 या फिर 5/12, क्लियर। ये 5 × 5 = 5 ऊपर चले जाता है तो 1/12 चले जाता है, क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास एक स्लैब है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमारे पास है 30 feet की इसकी चौड़ाई है और 40 feet की इसकी लंबाई हो गई। तो सबसे पहले क्वेश्चन भी करते हैं कि मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, जो कि मेन बार होता है जो शॉर्ट स्पैन, जबकि स्लैब है स्लैब की शॉर्ट स्पैन के अंदर जो मेन बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और लॉन्गर स्पैन के ऊपर जो प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले कौन सा सरिया बिछाए, सबसे पहले सरिया हम डालेंगे शॉर्टर स्पैन के अंदर, ठीक है। वो आप शॉर्टर स्पैन के अंदर डालेंगे, वो आपका क्रैंक बार हो, जैसे कि ऐसे डालते हैं, वो आपका क्रैंक बार हो या फिर किस तरह से, ठीक है। तो क्रैंक बार भी सबसे पहले शॉर्ट स्पैन के अंदर डाला जाता है, ठीक है, और लॉन्गर स्पैन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो आपकी बड़ा बार होगा, ठीक है, उसके ऊपर डाल देंगे हम। तो सबसे पहले हमने मेन बार लिया है, मेन बार स्लैब के ऊपर 12 mm का रहा है, 5 inches सेंटर टू सेंटर। अगर आपकी स्लैब के ऊपर जो भी है वही आप लिख लीजिए, 12 mm है तो 12 mm लिखना है, अगर 10 mm है तो 10 mm लिख लीजिए। स्पेसिंग क्या है, 5 inch है या फिर 6 inch है या फिर 4 inch है, जो भी आपके स्लैब पे गिवन है। तो मिनिमम जो स्टैंडर्ड मैं ले रहा हूँ 5 inch, ठीक है, तो शॉर्टर स्पैन के ऊपर। उसके बाद लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा आपका जो लॉन्गर स्पैन हो गया, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, 10 mm का बार यूज कर रहे हैं, इसकी स्पेसिंग मिनिमम 7 inch रखते हैं, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम कुछ भी ले सकते हैं हम, 7 inch या फिर 6 inch जो आप साइड पर ले रहे हैं, तो 7 inch बहुत कंफर्टेबल होता है साइड के ऊपर, स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। तो 7 inch हो गया, तो 7 inch आपको 175 mm भी लिख सकते हैं, 7 inch 175 mm के बराबर होगा या फिर 5 inch 125 mm, क्लियर। जिसको पता है कि मुझे इंच में नहीं पता है, mm में बताइए, mm पता है तो इंच बताइए, ठीक है। तो दोनों के लिए मैं कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद देख लेते हैं हमें निकालना है नंबर्स ऑफ मेन बार। तो आपको क्लियर हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन बार कितना लगा कितना नहीं। अब हम देखते हैं इसकी लंबाई क्या है। पहले सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी लंबाई मेन बार की। मेन बार की लंबाई निकालने के लिए आपको पता है कि जो शॉर्टर स्पैन है जिसकी चौड़ाई है कितनी है, 30 feet, उसमें से हम माइनस करेंगे क्लियर कवर, जो शॉर्ट साइड में हम सरिया नहीं लगाते हैं, क्लियर कवर छोड़ देते हैं कंक्रीट के लिए, तो वो कितना छोड़ते हैं, मिनिमम 1 inch। तो 1 inch क्लियर कवर छोड़ा, तो दो बोथ साइड में, वन साइड टू साइड, दोनों साइड में क्लियर कवर छोड़ा हमने, तो 2 × 1 inch, तो 30 feet में से 2 inch माइनस करेंगे तो 29 feet 10 inch आएगा। तो रनिंग फिट के अंदर लेंगे हम इसको, अब रनिंग फिट के अंदर लेंगे तो 29.833, ठीक है, 29 है प्लस है 10/12, इसको कर देते हैं 10/12, मैंने किस लिए किया, 10 इंच है और 1 इंच के अंदर कितने होते हैं 12, 1 फिट के अंदर 12 फिट, 1 इंच फिट के 12 इंच, तो इसको सिंपल इसे भाग कर देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा फिट, तो टोटल फिट हो जाएगा। क्लियर हो गया आपके पास, शॉर्टर स्पैन की लेंथ निकल गई। अब लॉन्गर स्पैन की जो लंबाई है, इसकी जो सबसे लंबाई है उसकी लंबाई कितनी निकालेंगे, लेंथ ऑफ क्रॉस बार। तो लॉन्गर स्पैन माइनस 2 × क्लियर कवर, लॉन्गर स्पैन है आपके पास 40 feet, तो 2 × क्लियर कवर, 2 × क्लियर कवर, दोनों साइड में ये क्लियर कवर है इधर भी और इधर भी क्लियर कवर है, कंक्रीट के लिए लेते हैं तो 1 inch क्लियर कवर लेते हैं एक साइड में, कितना 1 inch, तो 40 − 2 inch कर देते हैं तो 39.10 inch, तो 39.833 feet आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हम कैसे करते हैं, 39 feet प्लस 10 inch को कन्वर्ट करें फिट के अंदर, तो 10 से इसको भाग कर देंगे 12 से, तो टोटल आपके पास आ जाएगा कितना फिट, क्लियर। अब हम निकालते हैं कितने नंबर्स ऑफ मेन बार लगे, कितने नंबर्स ऑफ क्रॉस बार लगे।
तो वो निकालने के लिए नंबर्स ऑफ मेन बार, तो हम निकालेंगे पहले लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। हमें निकालना है ये बार, ये वाले बार नीले वाले जो ये बार कितने लगे, तो हमें जानना पड़ेगा कि जिसकी जो लंबाई है सरे की वो क्या है और ये स्पेसिंग है। देखिए अगर हम दो स्पेसिंग लेते हैं, दो स्पेस लेते हैं तो कितने बार लगते हैं, तीन, तो वन टू एंड थ्री। हमेशा याद रखना कि वन टू थ्री अगर दो स्पेस है तो प्लस वन कर देते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे इधर कितना हुआ है, पाँच दूनी दस, दस इंच है, तो दस इंच को हम टू से स्पेसिंग कितना है पाँच, पाँच स्पेसिंग है, पाँच इंच प्लस वन कर देते हैं, पाँच दूनी दस प्लस दो एक तीन, तो तीन हो गया। तो यहाँ पे भी देखिए लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो इसकी लेंथ हमने निकाली थी डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ निकाली थी, यहाँ पे लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार 39.833 थी, तो वही लिखेंगे 39.833 डिवाइड बाय स्पेसिंग। स्पेसिंग देखना है क्या है कि इससे स्पेसिंग कितनी थी हमारे पास, पाँच इंची, इससे इसके स्पेसिंग कितने हैं पाँच इंच, तो पाँच इंच को हमने कन्वर्ट किया था फिट के अंदर। क्यों? बिकॉज हमारे पास जो लेंथ है वो भी फिट के अंदर है, तो हमें ये स्पेसिंग भी फिट के अंदर कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो 0.416 फीट प्लस वन कर देते हैं, प्लस वन लास्ट में जो इशू जो फर्स्ट बार होता है, ये वाला फर्स्ट बार होता है, यहाँ से की स्पेसिंग क्या हुआ है, वन स्पेसिंग टू स्पेसिंग, तो लेकिन दो स्पेसिंग है, लेकिन फर्स्ट वाला जो बार होता है वो ऐड करते हैं, तो जब हम इससे इसको भाग करते हैं प्लस वन कर देते हैं, तो 96.75 या फिर 97 नंबर ऑफ बार, तो 97 ये बार कितने लगेंगे, 97। क्लियर? अब हम निकालते हैं नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो लेंथ ऑफ मेन बार हमें निकालना है, ये वाले बार कितने लगेंगे, तो ये वाले बार कैसे लगेंगे, तो हमें ये पता होगा कि लेंथ, देखिए ये तो यहाँ पे स्पेसिंग कहाँ पे हो रही है, इस वाले पे स्पेसिंग हो रही है ना, तो ये वाले लेंथ निकालना, जब हम आपको ये लेंथ पता होगी तो इसकी स्पेसिंग कितनी लगेंगी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मेन बार, इसकी लेंथ कितनी है, सरिया की लंबाई, इस सरिया की लंबाई कितनी है डिवाइड बाई स्पेसिंग, स्पेसिंग कितनी है यहाँ पे, सात इंची, ठीक है, तो सात इंची हो गया, प्लस वन करते हैं, लास्ट जो स्टार्टिंग में जो पहला बार होता है उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। 29.833 लेंथ ऑफ मेन बार, ये लंबाई, इस बार की लंबाई कितनी है हमारे पास, लेंथ ऑफ मेन बार 29.833 हो गया, डिवाइड बाई स्पेसिंग कितनी थी, सात इंच, तो यहाँ तक की कितनी स्पेसिंग है, सात इंच को कन्वर्ट करेंगे फिट के अंदर, तो सात इंच को कन्वर्ट किया था 0.583, तो 0.583 इससे इसको डिवाइड करते हैं प्लस वन कर देते हैं, तो 52.17 कितना आ गया, ये नंबर्स आ गए, तो 52 नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, कितना होता है ये, 10 mm का बार। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब वेट ऑफ बार, अब हम निकालना है वजन, तो नंबर्स ऑफ बार निकल गए, वेट और निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको जहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट, जहाँ से माल आप खरीदेंगे वहाँ पे क्या करेंगे, उसको ये नहीं कहेंगे मुझे इतने नंबर बार चाहिए, वहाँ पे कहेंगे आप मुझे इतना वजन चाहिए, तो कैसे निकालते हैं, 10 mm का बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो टोटल लेंथ हमें पता होनी चाहिए, पहले लेंथ कैसे निकालते हैं, नंबर्स ऑफ बार कितने थे, 52 हमने निकाले थे, 52 नंबर्स ऑफ बार 10 mm के, कहाँ पे, यहाँ पे निकाले थे हमने नंबर्स ऑफ मेन बार, नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो कितने निकाले थे, 52 नंबर्स, तो 52 रख दिए। लेंथ ऑफ वन बार, हमें पता है टोटल नंबर्स ऑफ बार और एक बार की लंबाई कितनी थी, 39.833, तो लेंथ ऑफ क्रॉस बार या डिस्ट्रीब्यूशन बार थी 39.833। क्लियर? जब हम इन दोनों को गुना करते हैं तो 2071 फीट समथिंग आता है। हमें कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, क्योंकि फार्मूला हर किसी को पता है, d² / 162 फार्मूला होता है 1 मीटर लेंथ के लिए, और इनटू गुना कर देंगे लेंथ, जितनी आपकी लेंथ होगी तो टोटल वेट आ जाएगा केजी के अंदर, ठीक है। और ये जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है केजी पर मीटर, एक मीटर की लेंथ का वजन होता है ये फार्मूला। क्लियर? अब हम कर देते हैं इसको कन्वर्ट, जो ये लेंथ हमारे पास है फीट के अंदर आ गई, रनिंग फीट, तो टोटल इतना रनिंग फीट लगेगा, तो जब हम इस फीट को कन्वर्ट करते हैं मीटर के अंदर, एक मीटर में होते हैं 3.28 फीट, और एक फीट के अंदर हो जाएंगे 1/3.28 फीट। क्लियर? तो ये फीट है, फीट को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। ये भी याद रख लेना है कि जो फीट होती है वो छोटी होती है, और मीटर यूनिट होती है बड़ी होती है, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए, यहाँ पे मीटर से जाने में फीट को कन्वर्ट करने के लिए तो गुना कर देते हैं, और फीट से मीटर में जाने के लिए सिंपल भाग कर देते हैं, ये याद रख लेना।
ठीक है, अगर बड़ी यूनिट आपके पास है तो ठीक है, या फिर छोटी यूनिट है पॉइंट के अंदर तो वो कुछ सिंपल गुना कर लेंगे आप, ठीक है, फीट से मिनट में जाने तो भाग कर लो, तो फीट है आपके पास और मीटर में कन्वर्ट करना है तो 3.28 फीट, इसे इसको भाग कर लेंगे तो 63.150 ये टोटल लंबाई आ जाएगी मीटर के अंदर सरी आ गई। तो फार्म वेट निकाल लेते हैं, वेट निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास डी स्क्वायर बाई 162 इंटू लेंथ, तो फार्मूला क्या आता है डाया, डाया इंटू डाया 10 mm का बार ले रहे थे डिवाइड बाई 162, क्लियर, ये हो गया आपके पास, और इंटू 63.150 ये आपके पास टोटल लंबाई है सरिया की, तो वहीं से इसको गुना भाग कर लेंगे तो 389.81 kg, तो 10 mm का जो बार है सरिया का जो वजन है इतना kg आपके पास सरिया लगेगा। अब एक चीज़ और देखनी है, ऐड हमें करना है 5 से 10% तक, उसमें जो वेस्टेज होती है जो कटिंग लेंथ निकलती है, हम स्लैब ले रहे हैं, अब स्लैब के अंदर 40 फीट की एक रनिंग लेंथ आती है, तो सपोज़ कीजिए 20 फीट की ले रहे हैं तो 20 फीट में तो आसानी से 2 बार निकल जाएंगे, लेकिन छोटी बड़ी स्लैब भी होती है तो वहाँ पे 5 से 10% तक उसमें क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, कहीं पे ओवरलैप आ जाती है स्लैब के अंदर, कहीं पे भी आपका कटिंग लेंथ जो साइड में निकल जाती है, ठीक है, वेस्टी जो होते हैं या फिर जो आपका वेट आता है प्रॉपरली नहीं आ पाता है, ये वाला जो वेट होता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कमी होती है, तो इसका जो टॉलरेंस होता है वो टॉलरेंस जो होता है वो मैं बता चुका हूँ वीडियो के अंदर, टॉलरेंस कितना होना है प्लस माइनस वो कितना होता है, कितने एम एम बार के लिए कितना टॉलरेंस होता है, वो जो वेट जो एक्चुअल वेट है फॉर्मूला से जो कांटे के ऊपर आएगा वो इससे थोड़ा कम भी हो सकता है। तो वेस्टेज हम 5 से 10% लेंगे, कौन सा वेस्टेज पहले जो कटिंग लेंथ निकलेगी ये प्लस ओवरलैपिंग लेंथ, कहीं पे अब हम ओवरलैप लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है स्लैब के ऊपर, तो 389.81 प्लस 38.91 का कितना 5% लेंगे, पाँच इसका जब हम 5% निकाल देंगे तो इसे इसको गुना भाग करेंगे 19.50, तो अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, ये भी अब केजी में हो गया, ये टोटल वेट आपने निकाला था, वेस्टेज आपने निकाली 19 kg, तो दोनों को प्लस कर देते हैं 409.31, ठीक है 409.31 kg, क्लियर। अब हमें निकालना है 12 mm का मेन बार, अब 10 mm का वजन निकल गया, 12 mm का निकालना है, तो टोटल लेंथ हमारे पास नंबर्स ऑफ बार है, कितनी नंबर्स ऑफ बार है, और एक लंबाई, जब हमें पता है एक सरिया की लंबाई क्या है और टोटल सरिया कितने लगे 12 mm के, तो वजन आपके पास टोटल लेंथ निकल जाएगी फीट के अंदर, तो 97 फीट हमने निकाला था, 97 नंबर्स ऑफ बार मेन बार और लेंथ ऑफ वन बार की 29.83, क्लियर, ये फीट है आपके पास एक बार की लंबाई, तो दोनों को जब गुना कर देते हैं तो टोटल फीट के अंदर आ जाती है, तो टोटल इतना फीट सरिया लगेगा, जब हम इससे इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, तो मीटर के अंदर हमने कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि आपके जो वजन का फार्मूला होता है डी स्क्वायर बाई 162 इंटू लेंथ, ये फार्मूला होता है मीटर के अंदर, तो सिंपल इसे भाग करेंगे मीटर जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो 882.25 मीटर, क्लियर, तो वेट ऑफ 12 mm का करेंगे तो डी स्क्वायर बाई 160 इंटू लेंथ, तो D क्या फार्मूला क्या है, D इंटू डी 12 mm गुना 12 mm, तो डिवाइड बाई 162, क्लियर, तो जब हम इससे इसको गुना भाग कर लेते हैं तो 783 kg हमारे पास सरिया का वजन आ जाता है, क्लियर, ये किलोग्राम वजन में आएगा, जब हम इसको फार्मूला है पर मीटर लेंथ के लिए टोटल लेंथ हमारे पास इतनी 12 mm की तो इतना वेट, तो ऐड करेंगे 5 से 10% वेस्टेज प्लस ओवरलैपिंग लेंथ, 5 से 10% इसमें हम वेस्टेज कर देते हैं, ओवरलैपिंग लेंथ भी हो सकती है रिक्वायरमेंट या वेस्टेज भी हो सकती है, तो 783 प्लस 383 का 5% निकालते हैं तो 39 kg आ जाता है, इसको दोनों को प्लस करते हैं तो 822 kg आ जाता है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपके पास, तो अब आप क्या करेंगे, ये टोटल वजन निकल के अब सरिया वाले पास जाएंगे, मुझे बोलना है कि भाई इतना सरिया मुझे 10 mm का दे दीजिए और इतना मुझे 12 mm का दे दीजिए, ठीक है, तो हमारे पास 10 mm का जो रिक्वायरमेंट निकल के आई, रिक्वायरमेंट जो हमारे पास निकल के आई, एरिया ऑफ स्लैब हमारे पास था 12 square feet, वेट ऑफ रिक्वायरमेंट कितना था 10 mm का बार निकाला था 5 सेंटीमीटर, मेन बार निकाला था 409 kg विद वेस्टेज के ऊपर, तो टोटल ये रिक्वायरमेंट आपके पास आएगी, 12 mm का निकालेंगे 7 इंच सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन बार हम जो निकालते हैं ग्रोस बार, तो वो कितना निकाला था अपने 822 kg, टोटल वेट कितना इसको जब हम प्लस कर देंगे तो 1231 kg। अब आपके पास सेकेंड स्लैब है, अब आपके पास एक सेपिंग स्लैब है, आप नहीं चाहते कि मैं बहुत बड़ा फार्मूला से निकालूं जल्दी जल्दी, मुझे बिल्कुल 2 ही मिनट में मुझे रिक्वायरमेंट निकल जाए, तो अब आपने 12 बाई 1200 का स्क्वायर फीट का आपने एक बार निकाल लिया, अब आपने आसानी से निकाल सकते हैं, अब आपके पास है स्लैब 20 बाई 30 फीट की, 20 बाई 30 फीट की है, तो एरिया ऑफ स्लैब कितना था 20 बाई 30 फीट, कितना हुआ 600 स्क्वायर फीट।
अब आपको रिक्वायरमेंट स्टील चाहिए, देखिए 10 mm का चाहिए आपको, 12 mm का चाहिए, तो 409। हमारे पास जो ये फार्मूला है ये है, जब हमारे पास लग रहा है, देखिए फार्मूला जो होता है केजी पर मीटर स्क्वेयर, तो कितना लग रहा था, 1 मीटर स्क्वेयर के अंदर कितना, 1231। तो टोटल हमारे पास 1200 स्क्वेयर स्लैब में कितना लगा, 409। तो 409 kg per 1200 square feet मीटर है तो मीटर में लिखे, फीट में 1200 square feet, तो 409 kg लग रहा है 1200 square feet। जब 409 kg लग रहा है हमारा 1200 square feet के अंदर, तो ये भी स्क्वेयर फिट 600 square feet, इसके फिर स्क्वेयर फिट कर देते हैं 1200 से 1200 कर देते हैं, 602 से इसको भाग कर देते हैं, तो 204.5 kg आ जाएगा। यहाँ पे आपके ये आता है 409 divided by 1200 × 1 square feet, तो 1 square feet के लिए आपके पास इतना केजी सरी आएगा। 1 square feet का आपने निकाला, जितने भी आपके पास स्क्वेयर फिट सिलेब है, सपोज कीजिए 300 square feet है, 200 square feet है, तो 200 यहाँ पे क्या करते हैं, 200 कर दीजिए सिंपल, तो 200 से कर देंगे तो गुना आपका 200 से वेट निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 600, तो 600 निकालेंगे तो 600 के लिए कितना होगा, 204.5 kg। इसी तरह 12 mm का निकाल लेते हैं, तो हमारे पास 1200 square feet के अंदर लग रहा है 822 kg 12 mm का, तो सिंपल 12 से इसको भाग कर लेंगे, 600 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो दोनों को सिंपल गुना भाग कर लेंगे, 411 kg आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी, तो टोटल कितना हुआ, 204.5 × 411, तो 615 kg आपके पास रिक्वायरमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो दूसरे मेथड से निकालेंगे तो 1231, जब हमारे पास लग रहा है 1231 kg, किसमें, 1200 square feet की स्लैब के अंदर, तो 600 square feet के अंदर स्लैब में लगा, स्क्वेयर फिट है ये भी, स्क्वेयर फिट है ये, केजी है, तो केजी पर स्क्वेयर फिट के अंदर इतना वजन लग रहा है, तो कितना हुआ 2, तो 2 से इसको भाग करेंगे तो 615.50 kg वजन निकल जाएगा। देखिए टोटल वेट निकल गया, टोटल वेट हमने यहाँ से भी टोटल वेट ऐसे निकाला है, टोटल वेट यहाँ से भी ऐसे निकाला है, तो चाहे टोटल वेट निकाल लीजिए या फिर 10 या 12 में अलग अलग वेट निकाल लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।